फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में जानेंगे। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रेखाएं हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण लाइफलाइन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संचार और व्यापार, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड इन इंडिया। कम्युनिकेशन, संचार। संचार क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक, कोई दूसरे राज्य में रहता है, कोई कितनी भी दूर रहता है, कोई दूसरे देश में रहता है, उससे अपनी बात, उस तक अपनी बात पहुँचाना संचार माध्यम कहलाता है। हम अपनी बात बात के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा हम बहुत से, हमारे पास ऐसे माध्यम हैं, जैसे आजकल हम टेलीफोन प्रयोग करते हैं। टेलीफोन में एसटीडी सर्विसेज और आईएसडी सर्विसेज भी हैं। एसटीडी सर्विसेज यानी कि दूर दराज लोगों में जो लोग रहते हैं, दूर राज्यों में, दूर देशों में जो लोग रहते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, जिसको हम एसटीडी और आईएसडी सुविधा के द्वारा बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बाय पोस्ट, डाक सेवा का प्रयोग करके भी हम अपने लेटर्स भेजते हैं, और भी हम अपनी कोई भी चीज़ें, वस्तुएं भेजनी होती हैं, पार्सल्स भेजने होते हैं, वो हम टेलीकॉम नेटवर्क्स के द्वारा और पोस्टल नेटवर्क्स के द्वारा भेज सकते हैं। उसके अलावा हम अन्य संचार के माध्यम, आजकल तो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नए रूप में आया है, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम प्रयोग करके हम अपनी बात, अपनी संचार, अपनी कम्युनिकेशन या कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास संचार का एक माध्यम है जो प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया यानी कि प्रिंट कल्चर, यानी कि प्रिंटिंग के थ्रू हम देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति किसी भी बात की जानकारी प्रिंट मीडिया के थ्रू ले सकता है, जैसे मैगजीन्स, बुक्स, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स। देश भर में 100 से भी अधिक भाषाओं में न्यूज़पेपर छापे जाते हैं, और हिंदी और इंग्लिश का न्यूज़पेपर देश के सभी कोनों में आराम से, इजीली उपलब्ध होता है। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में, संचार। संचार दो तरह का होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है इंडियन पोस्टल नेटवर्क, जिसको बोलते हैं भारतीय डाक सेवा। बच्चे जी, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम डाक सर्विसेज का प्रयोग करते हैं। पोस्ट ऑफिस हमारी वस्तुएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, और इसके अलावा हमारे लेटर्स, टेलीग्राम्स पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारे दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में पहुंचाने संभव हो पाए हैं। उसके सेकंड पार्ट है इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क्स, भारतीय दूरसंचार सेवा। इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क्स जैसे टेलीग्राम है ना, इन सर्विसेज का हम प्रयोग पर्सनल कम्युनिकेशन में करते हैं। हम अपने व्यक्तिगत कोई भी सूचना, हमें अपने किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी, किसी को पहुंचानी है जो कि अन्य राज्य या अन्य देश में रहता है, तो हम ये पर्सनल कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। मास कम्युनिकेशन में आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम बच्चे टेलीविज़न, एयर जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो, टेलीफोन और फैक्स, इंटरनेट सर्विसेज, आज इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। इंटरनेट सर्विसेज में हम आजकल मेल के थ्रू हम एक किसी भी देश के, किसी भी राज्य में, किसी भी दूसरे देश में, हम कोई भी कुछ भी भेजना है तो हम मेल के थ्रू भेज लेते हैं। इसके अलावा है प्रिंट मीडिया, जो मैगजीन्स, प्रिंटेड मैगजीन्स आती हैं, जो हर लैंग्वेज में, बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस में आती हैं। आप जो व्यक्ति जिस लैंग्वेज में चाहता है उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है, सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। बुक्स आती हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा है न्यूज़पेपर्स। तो बच्चे, संचार, कम्युनिकेशन, जो कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल
अपनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेशन संचार के थ्रू हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही प्रगति हुई है। आज हम देश के किसी भी कोने में किसी भी तरह का कोई मैसेज, कोई बिल या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या मेल के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, इंस्टेंटली एक समय ही उसी समय ही तुरंत हम इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं और रिप्लाई भी हमें तुरंत मिल जाता है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, संचार जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और संचार के थ्रू भारतीय अर्थव्यवस्था आज बहुत आगे और बहुत ही तरक्की कर पाई है। बच्चे जी, आप चाहें तो आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड व्यापार के बारे में। एक्सचेंज अमंग पीपल स्टेट्स एंड कंट्रीज आर कॉल्ड ट्रेड। जब दो या उसी ही एक ही गांव में या शहर में वस्तुओं का एक्सचेंज किया जाता है तो उसे लोकल ट्रेड कहा जाता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच वस्तुओं का एक्सचेंज स्टेट लेवल ट्रेड कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का एक्सचेंज इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। तो ट्रेड वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदना बेचना, एक देश से दूसरे देश के साथ खरीदना बेचना, ये सब व्यापार के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड्स, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में। एक्सपोर्ट्स क्या है? वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश तक या एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है, और दूसरे देश या दूसरे राज्यों से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहलाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं BOT, BOT। इफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, इट इज कॉल्ड फेवरेबल कंडीशन। अगर किसी भी देश या राज्य की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं तो ये उस राज्य या देश के लिए फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन अगर किसी राज्य के इंपोर्ट्स अधिक हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं तो ये उस राज्य के लिए अनफेवरेबल कंडीशन कहलाती है। किसी भी देश का व्यापार संतुलन उस देश के आयात और निर्यात पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स, वस्तुओं को आयात और निर्यात यानी कि किसी अन्य देशों से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है और अन्य देशों में वस्तुओं को भेजना निर्यात कहलाता है। तो हमारा व्यापार इन बातों पर, आयात और निर्यात पर भी निर्भर करता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश की परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था और व्यापार पर निर्भर करती है। आज की इस तेजी के बड़े भरे इस टेक्नोलॉजी वाले जीवन में दिन ब दिन नए नए सुविधाएं आती जा रही हैं। आज हमने मीडिया के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत ही अधिक तरक्की कर ली है। तो परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी देश का व्यापार उस देश की परिवहन व्यवस्था और संचार व्यवस्था पर निर्भर करता है। अगर हमारी परिवहन व्यवस्था और संचार व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत नए टेक्निक्स से चल रही है तो उस देश का व्यापार भी तरक्की करता है। और किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था उस देश की व्यापार परिस्थितियों पर निर्भर करती है। संचार और परिवहन देश में एकता और अखंडता बनाए रखने में भी मददगार हैं और देश में पर्यटन से भी व्यापार मिला है। हमारे भारत में बहुत से पर्यटक भारत की हस्तशिल्प कला, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति को देखने के लिए और भारत के ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं, जिससे भारत को व्यापार मिलता है। टूरिज़्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। पिछले 30 दशकों से भारत में टूरिज़्म व्यापार बहुत बड़ा है। इससे बहुत लोगों को काम मिलता है क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो इससे देश को व्यापार मिलता है।
होता है और देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आता है। तो हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, परिवहन, संचार और व्यापार के बारे में पढ़ा। ओके बच्चों, स्टे सेफ, स्टे होम, ओके।